तो बच्चों आप देखते हैं, आप हमारा अगला पैराग्राफ देखते हैं कि दूसरों के साथ हंसना ना रोना, क्या हम भी लेटर बास की चिट्ठियां हो गए हैं। इसमें भी बच्चों उन्हीं चीजों को दर्शाया जा रहा है जैसे कि जैसे हमने पहले देखा कि मतलब आज का समय ऐसा हो गया है कि अपने बगल में ही बैठे हुए व्यक्ति के साथ क्या हुआ या क्या प्रॉब्लम, हम उसे देखते तक नहीं, हम इतने व्यस्त हैं। और ये किस लिए कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अपने जिस काम में हम व्यस्त हैं उसमें आगे बढ़ते जाएं। ये सारी चीज़ें हैं, आप कीजिए, काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जिस समाज में हम रहते हैं समाज से भी तो थोड़ा हमें जुड़ना है, हम उससे अलग तो नहीं हो सकते। और ऐसा भी क्या काम कि हमें अगल बगल में देखने का भी वक्त नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ या फिर इस कथा को आपको इस कविता को समझने के लिए कि जैसे बच्चों अब हम विद्यालय में होते हैं, विद्यालय में हम क्या करते हैं, विद्यालय में भी हम एक जगह होते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन विद्यालय में हम भाईचारे की चीज़ सीखते हैं, आपस में मेलजोल से हर एक काम को हम पूरा करते हैं और आत्म केंद्रित कभी नहीं हो सकते हम। अब पहली बात, हम वहाँ शिक्षक की निगरानी में होते हैं कि टीचर की नज़र हम पर होती है और हम हर एक चीज़ को मेल में, चाहे वो छोटा सा त्यौहार भी क्यों ना हो, कोई फंक्शन क्यों ना हो, हम सभी चीज़ों को क्या करते हैं, एकदम मेल के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। और आज के समय में भी हम ये देखते हैं बच्चों की स्कूल जो लाइफ हम जीते हैं, आज आपके कितने सारे एक्टर होंगे या लेखक होंगे या कवि होंगे या बड़े बड़े जो भी एक्टर्स आप जिनको भी जानते हो, सबने अपना ये जीवन सबने जिया है अपने विद्यालय का। और स्कूल लाइफ कभी कोई भूलता नहीं है बच्चों, क्योंकि स्कूल में हम क्या करते हैं, हम अपने मर्जी से दोस्त चुनते हैं और उसी दोस्त के साथ काफ़ी लंबा समय बिताते हैं। और जब हम पढ़ाई के बाद, जब हम एक सही जीवन के जिस पायदान पे हमें आगे बढ़ने की हम बात जो कर रहे हैं, जब वहाँ पे हम बढ़ते हैं ना, तो फिर जब हम बढ़ते जाते हैं तो फिर धीरे धीरे हम क्या होते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, यानी सिर्फ स्वयं के लिए सोचना, स्वयं के लिए करना। ये जब जीवन का बोझ हम पर पड़ता है ना बच्चों, तब तो उसमें हम क्या होता है, सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये तभी होता है, लेकिन जब तक हम स्कूल में, तो तब तक ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि स्कूल में भी तो अलग अलग हैं, लेकिन वहाँ पे हम अपने सिर्फ अपने लिए सोच के रह सकते हैं क्या, आप बिना बात के रह जाओगे बगल में अपने दोस्तों के बैठे, नहीं ना। यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि स्कूल में रहकर हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उन चीज़ों के सीखों में जैसे हम जो दोस्त चुनते हैं, जिस टीचर से हमें सबसे ज़्यादा लगाव होता है, जिसे हम अपना एक आदर्श भी मानते हैं, तो उन चीज़ों को हम भूलते तो नहीं है, लेकिन क्या फिर उनके संपर्क में रहते हैं। ऐसा बहुत कम जगह में सुनने या देखने को मिलता है बच्चों। अब जैसे पुराने बच्चों में क्या होता था कि पुराने बच्चे अगर कभी चले भी गए हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जुड़े रहते थे। अगर कभी हम उस पुराने स्कूल में जाते हैं तो आसपास में टीचरों के बारे में पूछते हैं, और अगर आसपास में कोई टीचर होते तो बच्चे उनके घर तक जाके उनको मिल के आते हैं। तो पहले का समाज का दायरा ऐसा था, लेकिन आज के हमारे समाज को क्या हो गया है, स्कूल से छूटने के बाद हम दोबारा पलट के भी स्कूल नहीं जाते, अगर कुछ काम भी आ गया अरे स्कूल जाना पड़ेगा, ये होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, जिससे हमने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ पाया, जिसे आज हमें इस्तेमाल करने का सही वक्त आया है, तो उस वक्त हम क्यों पीछे हटें। दो बात बोल लेने में, या आप कैसे हो, ठीक हो, हाँ मैं भी ठीक हूँ, इतने में कितना वक्त लगता है, ज़्यादा वक्त लगता है क्या, नहीं ना। तो इसी चीज़ को बच्चों यहाँ लेखक दर्शाना चाह रहे हैं कि जब हम विद्यालय के उस प्रांगण को नहीं भूलते, उसमें बिताए वक्त को नहीं भूलते, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हम उसे नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमारे आधुनिक जीवन में वैसी पढ़ाई को, उसी सारी चीज़ों को तो इकट्ठा करके हम आगे चलते हैं ना। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसी पे हमें डिग्री आगे मिलती है, और उसी डिग्री के आधार पे हम अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम उसे नहीं भूलते हैं तो आज हम क्यों इतने अलग अलग हो गए हैं, क्यों किसी से बात नहीं करते हैं, क्यों इतने गुमसुम से हो गए कि बस रास्ते में भी चल रहे हैं तो भी मोबाइल। माना कि आज मोबाइल महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जैसे कि इस वक्त हम ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी मोबाइल पर ही डिपेंड हैं, लेकिन बच्चों कैसा है कि ये तो अभी की समस्या है ना, आज क्या है, क्योंकि ये कोरोना काल है तो हम इस कोरोना काल में तो कहीं आ जा नहीं सकते, लेकिन हमारी गतिविधियां रुकनी नहीं चाहिए, इसका भी दायित्व तो टीचरों ने ले लिया, विद्यालयों ने लिया हुआ है,
और जिसके लिए हम जो हमसे कोशिश बन पड़ती है वो करेंगे और करते रहेंगे बच्चों। लेकिन अगर हम इतना अपने बच्चों के लिए या इतने, ये विद्यालय क्या बच्चों, ये परिवार जैसा है और विद्यालय हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही सोचता है। तो जब हम अपने बच्चों का इतना ये सोचते हैं, इतना कर सकते हैं, तो कल वही बच्चे जब आगे पायदान पर बढ़ते हैं, एक समाज में निर्द्वंद होकर विचरण करते हैं, अपने दायित्व को निभाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो क्यों सिर्फ हम अपने स्वयं पर केंद्रित हो जाते हैं? हमें अपने आसपास की दुनिया क्यों नहीं दिखाई देती? ऐसा भी क्या काम जो हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, किसी से दो मीठे बोल नहीं बोल सकते? इतना व्यस्त होना भी क्या अच्छी बात है? नहीं ना। तो इसी चीज़ को यहाँ बच्चों लेखक दर्शा रहे हैं कि दूसरों के साथ ना हंसना ना रोना, क्या हम भी लेटर बॉक्स हो गए हैं? अब अगर आपको भी, अगर जैसे यहाँ लेखक कह रहा है कि आपको भी लेटर बॉक्स हो गए हैं, अगर आपको भी लेटर बॉक्स बना दिया गया, आप में भी बहुत लोगों को रख दिया गया, तो क्या आप आपस में बात नहीं करोगे? चलिए एक पल के लिए मान लीजिए आप लिफाफा है, हो आपके दो चार और भी लिफाफे उस डब्बे में पड़े हुए हैं, आपको कैसा लगेगा? बिना बोले कितना देर तक आप बिना बोले रह पाओगे या बात नहीं करोगे? हो सकता है ये नहीं, लेकिन अभी तो ये नहीं होता है, लेकिन आगे बच्चों ये होता है कि चीज़ें जहाँ पर हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, हम साथ चलते हैं, साथ बोलते हैं, ठीक है हम हमारे रास्ते अलग अलग हैं, बाद में हम अलग भी हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम बैठे हैं, हम चल रहे हैं, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, समाज हमें सिखाता भी है और हम उससे सीखते भी हैं, एक हाथ लेते हैं और एक हाथ से देते भी हैं बच्चों। तो ये दोनों चीज़ तभी होती है, कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, हमें दोनों तालियों का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से बच्चों कि ये जो समाज है या फिर इस लेटर बॉक्स के माध्यम से जो लेखक या जो कवि हमारे कहना चाहते हैं कि आज लेटर बॉक्स की दुनिया इतनी सिमट गई है या लेटर बॉक्स में पड़ी चिट्ठियों को सिर्फ अपने पैदा अपने रास्ते पर पहुंचना है, उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, ऐसा भी क्या है कि तुम अपने दुख नहीं कह सकते हैं? कुछ अपने सुख की बातें बता दो, सामने वाला शायद हंस देगा, या किसी का भी हालचाल ले लो। हम आए दिन FB पे या हर जगह पे देखते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उसकी वीडियो शेयर करते हैं, डालते हैं, कुछ वीडियो स्वयं बनाई जाती हैं और कुछ रियल होती हैं, लेकिन रियल में जो बच्चों होती हैं, अब ये तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी रियल है कौन सी बनाई गई है, लेकिन हम चीज़ों को देखते हैं तो या उसमें लिखा होता है भाई लाइक करो, लाइक बटन दब जाता है तुरंत के तुरंत, जो हमारे मन को छू जाता है तुरंत उसको लाइक बटन दबा देता है। तो उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर भी लाना है। यहाँ पे लेखक का माध्यम यही है कि अगर आप भी बच्चे हो और आपको भी आगे जीवन में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी हैं, अपने जीवन को और अच्छा करने के लिए और अच्छे से स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो आज का बच्चों ये चैप्टर जो हमारा है वो अब समाप्त होता है। आप इसे रीड कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट रहेगा आप उसे मुझे कह सकते हो। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, गुड डे बच्चों।